इंडिया ছাড়া আচ্ছা দুই মিনিট না হ্যালো হাম একটা দাদা মুখা না তুমি না পারো তো আমসা কে কি তুমি দুই বার एक जो तुम्हें अपनी जिंदगी में बढ़िया लगी हो और एक जो तुम्हें अपनी जिंदगी में बेकार लगी हो। हमने कहा जे तो एक जो बात जो हमें अपनी जिंदगी में अच्छी लगी वो बात है हमारी शादी। हमको तो यहाँ पर अभी ड्राइंग वाले भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मूर्तिकला का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। काफ़ी अच्छा प्रयास इन्होंने किया है। और कुछ खिलौने प्रतियोगिता भी थी, पारंपरिक खिलौने जो पारंपरिक होते हैं उस तरीके के खिलौने बनाने की इनने कोशिश की हुई है। और साथ ही यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता भी हो रही है और बच्चे द्विआयामी चित्रण में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने मुख्य रूप से उत्तराखंड के कल्चर को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर कोशिश बच्चों के द्वारा की गई है और काफ़ी अच्छे उनके विचार हैं जो उन्होंने अपने चित्रपट पर बिखेरे हुए हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आइए चलते हैं परिणाम की ओर, बच्चों का रिजल्ट क्या है। चुका है और हमारे सभी बच्चे जितने भी आए थे सभी को प्राइज मिला है और सभी फर्स्ट पोजीशन में आए हैं, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और क्योंकि बारिश भी होने लगी है और हमें गाड़ी पकड़नी है तो फिलहाल चलते हैं। फिलहाल हमें गाड़ी मिल चुकी है, सीट देखते हैं कैसे मिलती है, नहीं भी मिलेगी तो फिलहाल हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट बस है, तो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग राजीव गांधी फिर से वापस पहुंच चुके हैं और प्रतियोगिता काफ़ी अच्छी रही, बच्चों ने अच्छा प्रतिभाग किया और सभी में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। हाँ, कुछ एक दो प्रोग्राम थे जिनमें बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा कोशिश करने के का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों से, बच्चों का क्या रिएक्शन है तो सुनते हैं उनकी जुबानी। नहीं मिला सॉबी? हाँ आप बोल। नम्रता कैसा महसूस कर रही है? और मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने मुंह मियां मिठू बन रही है यार ये तो। नहीं लेकिन वाकई में अच्छा किया था, मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे इसके। नहीं 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 लेकिन एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए थे उसने। और निकिता बिष्ट कैसा लगा? ठीक लगा। अच्छा लगा, ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसकी एक्टिंग ने तो मुझे भी रुला दिया, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग इसने की थी। और तृप्ति का तो क्या कहने, क्योंकि इसने इतना अच्छा गाना गाया, भले ही वहाँ पर माइक नहीं था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाना गाया। और ये बता, मैम अच्छा लगा वहाँ का ग्राउंड बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, मजा आया, ठीक है। नहीं नहीं टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर बिस्किट निकालो, फेंक दिया उसको। नहीं नहीं मतलब ना ये बेचारे ने ड्राइंग में भी पार्टिसिपेट किया और उसके बाद हारमोनियम में आया दो बार, दो लोगों के बजाने के लिए म्यूजिक में, और फिर अपने लिए, फिर अपने प्रोग्राम के लिए फिर से, और उसने फिर भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, ठीक हो गया, फर्स्ट पोजीशन आई उसकी। और ये तो खाने खत्म नहीं होता, देख मैं भी इनके मुंह पे लगा दिया। इसकी कॉमेडी तो कभी खत्म नहीं होती यार, सच में। हाँ, और इसने दीपक ने तो मैं तो हैरान हो गई, मतलब आश्चर्यचकित हुई सच में। इसका मॉडल देखिए, जो इसने खिलौना बनाया था ना वो बहुत खूबसूरत बनाया था, आपने ब्लॉग में देखा होगा पीछे, तो पिछले ब्लॉग में हमने वहां पर डाला हुआ है, पार्ट वन में अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मनीष ने भी काफी अच्छा बनाया था, इसके उसमें ये हो गया कि फर्स्ट और सेकंड किसको रखा जाए, बहुत तगड़ा द्वंद था क्योंकि दोनों ही मूर्तियां बहुत बढ़िया बनी हुई थी, तो लेकिन फिर थर्ड जज को आना पड़ा, दो जज थे और उसके बाद क्योंकि डिसीजन टाई हो गया था तो फिर थर्ड जज का आना
बन गया वहाँ पर माहौल ऐसा, तो फिर भी इनने सेकंड स्थान प्राप्त किया जो बहुत अच्छा बना था, फर्स्ट के लायक का था, लेकिन लेकिन फर्स्ट तो एक ही को आना था। और हमारे मजदूर भाई यहाँ पहुँच चुके हैं, ललवा पहुँच चुके हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन का रहा वहाँ पे, और पूरा कैमरा इन्होंने ही संभाला हुआ था वहाँ पे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम में, कहाँ मिलेंगे? तो सभी बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दिन नहीं, अब रात होने वाली है, अब तो गुड नाइट का टाइम, क्योंकि ये वीडियो नाइट में अपलोड होगी, तो शुभ रात्रि ही कह देते हैं हम लोग, क्योंकि ये अभी नहीं अपलोड हो पाएगी, ये रात को अपलोड हो पाएगी। तो फिलहाल हम अल्मोड़ा की ब्लॉग में मिलेंगे आपको, उससे पहले बीच बीच में छोटी बहुत ब्लॉग बनती रहेंगी। तो चलते हैं।